नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ सियासी खेमे के बीच में कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के हाथों से फिसल गया और ये चुनाव ऐसा था जिसको देखने के लिए तमाम देश की जनता जो है वो बैठी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस चुनाव में जीतेगा कौन और हारेगा कौन और जिसके हाथ हार लगेगी क्या उस पूरे मामले को लेकर के पार्टी जो है वो संतुष्ट रहेगी या नहीं। देखिए, यहाँ पर बीजेपी को लेकर के भी यही खबरें थी और बीजेपी अब हार चुकी है और रिजल्ट हमारे सामने ही है। लेकिन रिजल्ट आखिरकार कैसे ऐसा आ गया, बीजेपी को जो भरोसा था, बीजेपी कर्नाटक में पहुंच के जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी, जो उनके खेले को लगातार बर्बाद किया जा रहा था, बावजूद उसके बीजेपी आखिरकार हार कैसे गई ये जानना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े अधिकारियों के हक में तो जरूर है। और आज का ये खास रिपोर्ट हम इसीलिए लेकर के आए ताकि हम आपको बता सके कि जिस जेपी नड्डा के अध्यक्षता में लगातार एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल कर रही बीजेपी कैसे कर्नाटक में सिमट गई, उसकी रिपोर्ट जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े अधिकारियों को देंगे तो बीजेपी खेमे में हमें कौन सा नया खेला देखने को मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में करारी हार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी हफ्ते सौंपेंगे। पार्टी ने इस हार को सामूहिक विफलता की श्रेणी के बाहर रखा, यानी इसके लिए सभी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा बल्कि हार की सभी वजहों और चूक के लिए जिम्मेदार तय होंगी। भाजपा सूत्रों ने पुष्टि की है कि चुनाव प्रबंधन में कई ऐसी कमियां बार बार सामने आई हैं जिसको लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सचेत किया था। येदुरप्पा को सीएम पद से हटाने से लेकर सीएम बसवराज बॉम्बई को फ्री हैंड नहीं दिए जाने, टिकट बंटवारे में दिक्कत और नेताओं की आपसी टकराव जैसे मुद्दों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिस टीम पर थी उसने इसमें चूक किया, पेश आ रही दिक्कत के बारे में शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताया। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पूछा गया कि जेडीएस के वोट में गिरावट का लाभ भाजपा को क्यों नहीं मिला, लिंगायत वोट कैसे टूटा और तटीय कर्नाटक में भाजपा पुराना प्रदर्शन क्यों नहीं दोहरा सकी। इस पर स्थानीय इकाई से सही उत्तर नहीं मिला है। चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों ने हर सकारात्मक मुद्दा गवा दिया और ये मान बैठे कि पीएम नरेंद्र मोदी के दम पर सत्ता में वापसी कर लेंगे, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने दो टुक कहा था कि सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव जीतने की ना सोचे। कर्नाटक की हार के साथ ही भाजपा के मिशन दक्षिण की बुनियाद दरक गई है। देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22-24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं। भाजपा के पास अभी दक्षिण से 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, मगर इस रास्ते में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि दक्षिण में कोई स्थानीय कद्दावर नेता ना होना। येदुरप्पा के रूप में एकमात्र मजबूत नेता कर्नाटक में हैं, पर वे भी सक्रिय सियासत से विदा हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई और बड़ी चीज़ें जो है वो अब दिखाई दे रही है। देखिए, कर्नाटक की हार के साथ ही भाजपा के मिशन दक्षिण की बुनियाद दरक जो है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। ऐसे में भाजपा के लिए अब ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि वो इसे ठीक कैसे करे। बहरहाल, भाजपा की तरफ से जो इस वक्त प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है वो यही कि जो जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाएगा उन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और हो सकता है उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सके। इसमें जेपी नड्डा का नाम भी शामिल हो सकता है। जेपी नड्डा और यहाँ पर जो है बीजेपी खेमे को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है अब वो ये दर्शा रही है कि आने वाले समय में अगर जेपी नड्डा ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के कोई सुधार व्यवस्था अच्छे से दुरुस्त नहीं की तो चल करके उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। कर्नाटक चुनाव की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।